हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं महेंद्र वर्मा आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं। ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना नहीं भूले और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को भी ज्वाइन कर ले ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो हो तो सबसे पहले आप लोगों तक जानकारी जो है वो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि टूल होल्डर और बोरिंग बार में हम लोग कितने तरीके से इंसर्ट को क्लैंपिंग करते हैं और इंसर्ट का क्लैंपिंग मेथड कौन कौन सा होता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्लैंपिंग मेथड क्या होता है। द सिस्टम अडॉप्ट द फिट द इंसर्ट ऑन द टूल होल्डर और बोरिंग बार इज कॉल्ड इंसर्ट क्लैंपिंग मेथड। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वह सिस्टम जो हम अडॉप्ट करते हैं किसके लिए, इंसर्ट को क्लैंप करने के लिए, चाहे वो टूल होल्डर हो चाहे वो आपका बोरिंग बार हो, उसे हम लोग जो है वो इंसर्ट क्लैंपिंग सिस्टम कहते हैं। इंसर्ट आर क्लैंप्ड इन ए टूल होल्डर और बोरिंग बार इन सिविल वेज द इंसर्ट फिटेड परफेक्टली आफ्टर क्लैंपिंग। इसका मतलब ये हुआ कि इंसर्ट जो होती है वो टूल होल्डर और बोरिंग बार में क्लैंप की जाती है। क्लैंपिंग करने के बाद जो आपकी जो इंसर्ट है वो उसमें किसी प्रकार का वाइब्रेशन नहीं होता और बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो फिट हो जाती है टूल होल्डर और बोरिंग बार में। उसके बाद में आपको बताने वाला हूं, व्हेन द एज ऑफ द इंसर्ट आर वॉर्न और ब्रोकन द इंसर्ट क्लैंप इज ओपन्ड बाय एलन की और स्क्रू ड्राइवर एंड सेकेंड इंसर्ट फिट इज गिवन। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी इंसर्ट खराब हो जाती है तो आप इंसर्ट के जो आपका जो एलन की होता है उसके द्वारा और स्क्रू ड्राइवर कीज के द्वारा आप जो है इसको आसानी से ओपन करके दूसरा इंसर्ट जो है वो हम लोग लगा सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको टाइप्स ऑफ इंसर्ट क्लैंपिंग सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं कि कौन कौन से सिस्टम जो होते हैं हम लोग यूज करते हैं इंसर्ट को क्लैंप करने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो सिस्टम आता है वो होता है आपका डी क्लैंपिंग सिस्टम। डी क्लैंपिंग सिस्टम के अंदर फ्रेंड्स क्या चीज होती है आपको मैं बताने वाला हूं। डी क्लैंपिंग के अंदर सबसे पहले देखिए, ये एक क्लैंप होता है और उसके बाद में यहां पर आपका इंसर्ट है और इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है और ये एक एलन बोल्ट होता है और यहां पर सिम लगी हुई है और सिम के नीचे एक जो है वो सिम का स्क्रू लगा हुआ है, ओके, और ये आपका होल्डर होता है। तो इस प्रकार का सिस्टम अगर आपको किसी भी मतलब टूल होल्डर में लगा हुआ हो तो इसका मतलब है कि उसके अंदर डी क्लैंपिंग सिस्टम लगा हुआ है और इसको जो है वो डबल क्लैंपिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड बात करते हैं एम क्लैंपिंग सिस्टम। तो एम क्लैंपिंग सिस्टम में क्या होता है आपका, अगर आपका किसी कोई भी टूल होल्डर या बोरिंग बार के ऊपर इस प्रकार का आपका लगा हो क्लैंपिंग सिस्टम जिसके अंदर ये आपका एक क्लैंप है और इसके अंदर ये एक एलन स्क्रू लगा हुआ है और यहां पर आपकी इंसर्ट है और उसके बाद में यहां पर देखिए एक काउंटर शैंक वाली एक पिन लगी हुई है, ठीक है, और यहां पर ये शिम लगी हुई है और ये इसके अंदर जो है वो आपका होल बना हुआ है। तो इसके अंदर दो पिन लगेगी, एक तो शिम को और आपकी इंसर्ट को टाइट करेगी और ऊपर से जो है वो क्लैंप के द्वारा जो है वो प्रेशर डाला जाएगा ताकि आपकी जो इंसर्ट है वो अच्छे तरीके से जो है वो टूल होल्डर है या बोरिंग बार के अंदर टाइट हो जाए। तो ये आपका एम क्लैंपिंग सिस्टम होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पी क्लैंपिंग सिस्टम। पी क्लैंपिंग सिस्टम में क्या होता है फ्रेंड्स, पी क्लैंपिंग सिस्टम जो है वो इस प्रकार का होता है। इसमें लीवर एंड लॉक लगा होता है। यहाँ पे आपकी इंसर्ट है, यहाँ पर देखिए एक हाफ राउंड सर्कल में एक लॉक लगा होता है, इसको एक लॉक कहते हैं, ओके, और ये आपकी शिम लगी हुई है और ये आपका लीवर है और यहाँ पर जो है वो एलन बोल्ट लगा हुआ है। तो ये जो सिस्टम होता है इसके अंदर अप क्लैंपिंग सिस्टम नहीं होता है, इसके ऊपर से कोई क्लैंप नहीं लगता है और ये पिन जो है इसके ऊपर जैसे प्रेशर आता है तो ये ऑटोमेटिकली इंसर्ट को जो है वो टाइट कर लेती है, तो इसको पी क्लैंपिंग सिस्टम कहते हैं। आगे बात करता हूं फ्रेंड्स मैं एस क्लैंपिंग सिस्टम की। वह टूल होल्डर या बोरिंग बार जिसके अंदर आपका इंसर्ट ओनली फोर स्क्रू से टाइट किया जाता हो वो आपका जो होता है वो आपका एस क्लैंपिंग सिस्टम होता है। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं इस टूल होल्डर के अंदर जो आपका इंसर्ट लगा हुआ है, सीएनएमजी इंसर्ट लगा हुआ है या फिर सीसीएमटी जो भी इंसर्ट लगेगा वो आपका जो है वो स्क्रू के द्वारा इसके अंदर जो है वो टाइट किया गया है। तो जो स्क्रू के द्वारा टाइट किया जाता है वो एस क्लैंपिंग सिस्टम होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स डब्ल्यू क्लैंपिंग सिस्टम। तो डब्ल्यू क्लैंपिंग सिस्टम जो होता है उसके अंदर आपका क्या लगा होता है इस प्रकार से होता है, अप क्लैंपिंग होता है, ऊपर से क्लैंप जो है वो लगाया जाता है। ज्यादातर टीएनएमजी इंसर्ट के लिए जो है वो डब्ल्यू जो है आपका क्लैंपिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें
आपका इधर से ऊपर से एक क्लैंप होगा और इधर से आपका एक एलन बोल्ट भी लगेगा और नीचे से जो है वो शिम को और इंसर्ट को टाइट करने के लिए जो है वो एक स्क्रू भी लगा होता है, ठीक है। इसको हम लोग जो है वो डब्लू क्लैंपिंग सिस्टम कहते हैं। और आगे की बात करूं तो छह नंबर पे आता है आपका बी क्लैंपिंग सिस्टम। बी क्लैंपिंग सिस्टम में फ्रेंड्स देखिए क्या चीज होता है, बी क्लैंपिंग सिस्टम भी डब्लू क्लैंपिंग सिस्टम की तरह ही होता है। ऊपर से एक जो है वो आपका क्लैंप होता है और इसके अंदर एलन बोल्ट होता है और इसके अंदर इंसर्ट लगेगा और इंसर्ट की जो पिन है वो भी लगेगी और इसके अंदर शिम भी लगा होता है। तो ये चार आइटम है यहाँ पे देखिए, इंसर्ट, शिम, पिन स्क्रू और वेड एज, तो वेड सेट। तो ये आपका जो है वो इस सिस्टम के अंदर जो है वो लगा होता है। तो फ्रेंड्स ये थे सारे के सारे जो है वो क्लैंपिंग मेथड। तो आपको जो है वो कौन कौन सा क्लैंपिंग मेथड जो है वो आप अपने टूल होल्डर या बोरिंग बार में यूज करते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर एक आदमी को पता चल सके, क्योंकि इस सिस्टम के बारे में अधिकांश लोगों को पता ही नहीं होता है कि इंसर्ट के अंदर जो क्लैंपिंग मेथड होता है वो कितने तरीके का हम लोग क्लैंप कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आज का इस वीडियो देखने के लिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए और नमस्कार।